हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी सुकुशल मंगल है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ये मेरा नया ब्लॉग है और मैं इस ब्लॉग में आज का थंबनेल आपने देखा होगा कि आज मैं मैं अपने ससुराल मायके गई थी और वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ। तो यही है आज का मेरा ब्लॉग कि मैं अपने मायके गई तो क्या लाइक क्या होता है ना, जब भी बेटियाँ मायके जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती हैं। कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें कहीं से नहीं मिलती ना, तो वो उन्हें मायके से मिल जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मुझे वो चीज़ कहीं नहीं मिल रही थी और लेकिन मायके में गई और मैंने मांगा तो वो चीज़ें मुझे मिल गई। मतलब मैंने कहा और उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे भाई ने। भले ही मेरी घर में अब मेरे मम्मी पापा नहीं हैं लेकिन मेरे भाई भी इतने बुरे नहीं हैं। कुछ अगर जो होता है उनके कंट्रोल में तो वो करते ज़रूर है मेरे लिए। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ अपने मायके से अपने लिए और जो चीज़ें मुझे कहीं मांगने पे नहीं मिल रही थी, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और रात के 10 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप उस लाइव में भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अगर वीडियो पसंद आए पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा मेरा आज का। तो अगर आप स्किप कर दोगे ना तो आगे का वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मतलब अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा और अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कितने लोगों को अच्छा लगा। अगर आपका अच्छा कमेंट होगा तो उसे मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँगी, लेकिन अगर आपने मुझसे कोई शिकायत की तो उस शिकायत को मैं दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम सब रेडी हैं जाने के लिए घर और यशी भी रेडी हैं, हम सब रेडी हैं, बस हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से और हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने मायके। तो ये देखिए, ये है एक्वेरियम, इसमें एक मछली ना बेचारी। नहीं दिख रही मेरी, नहीं है वो, पीछे पड़ी है, पीछे ये बुद्धा के पीछे, बुद्धा के पीछे मेरी दिख रही है। नहीं यार, तुम्हें दिख रही है बुद्धा के पीछे? वो भी देखो तो, वो है तो कहाँ गई तो देखो, ये है, ये वहाँ गई तैरते तैरते फंस गई आके। चले तो यहाँ पे ना एक्वेरियम में ये मछली बेचारी मर गई है, या कह लीजिए आखिरी सांस से अपनी गिन रही है बेचारी। मतलब जिंदा है लेकिन कम तड़प रही है मरने के लिए, तो बहुत दुख हुआ, एक मछली हमारी कम हो गई। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पे देख आते ही मुझे, मतलब हम लोग बैठे थे तो हमने देखा कि एक्वेरियम में एक मछली इस तरीके से तड़प रही है। शेयर करूँ कि बेचारे जो जानवरों को पालो ना, बहुत अच्छा लगता है जब वो मर जाते हैं तो कितना दुख होता है। ऐसे देखिए कितने अच्छा लग रहा है, सब तैरती रहती हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। और तो फाइनली अब मैं घर वापस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक आटे का चौसेला, पता नहीं आप लोग जानते हो भी नहीं जानते। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और मेरे पति देव को खाना खाना नहीं है मुझे, लेकिन खाना है क्योंकि मैं बेबी को फीड कराती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है और वैसे भी मुझे भूख लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने आटे में प्याज हरी मिर्च डाल के बस उसको सान लेना है, गीला 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 गीला, क्यों? क्योंकि इसे हम हाथ से बनाएंगे, इसलिए। तो उसमें ना ज़्यादा बर्तन ना भी खर्च करते हुए एकदम छोटे से कटोरे में ही मैंने ना कर लिया। और हाँ, इसमें नमक भी डालना है, भूल गई मैं बताना, इसमें नमक भी डालते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत गीला है और इस तरीके का सना है, बट कोई बात नहीं, अभी इसका मैं जब बनाऊंगी ना तब आप देखिएगा कैसे बनता है। तो अभी मैं हाथ धो लेती हूँ। अब हम चढ़ाएंगे तवा, जलाएंगे गैस। ये माचिस जली है तो हम इस तरीके से तवा गरम कर देंगे। जब तवा गरम हो जाए एकदम इतना हीट होना चाहिए कि एकदम आपके हाथ को पता चले, तब हम इस पे लगाएंगे तेल। आप चाहे तो नॉनस्टिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे आयरन तवे पे ही अच्छा लगता बनाना है, तो मैं बनाऊंगी। वैसे तो मेरी मम्मी जो थी वो ना डीप फ्राई करके बनाती थी, मैं बस तेल में तल के, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है ताकि ये जो गीले गीले आटा है ना वो चिपके ना उस पर, इसलिए। और अब यहाँ ना हम एक अलग कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और अब देखिए मैं इसको ना ऐसे ही उठाऊंगी ये, ठीक। पानी लगा लूंगी हाथ में ताकि ये आटा चिपके ना, पानी लगाने से ना आटा जो है वो आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। तो देखिए हाथ में नहीं चिपक रहा ना, इतना गीला आटा है, देखिए इतना गीला आटा है, लेकिन ये हाथ में नहीं चिपकेगा। तो ये जो मोटी रोटी बनाने का ना यही एक तरीका होता है, बहुत लोग होते परेशान होते हैं ये चिपकता है, तो अगर आप हाथ में पानी लगा करोगे तो ये नहीं चिपकेगा। और अब इसे ना मैं ऐसे ही तवे पे डाल दूंगी, अब इसको ना हाथ से ऐसे इस तरीके से फैलाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मोटा चौसेला बना रहे हैं इसलिए हम इसे ज्यादा महीन नहीं करेंगे, है ना, उसे बस ऐसे ही फैला देंगे हाथ से। और अब इसे हम ना धीमी आंच पे सेकेंगे, तो ये देखिए मेरा चौसेला रेडी है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये वन साइड से हो गया है, अब इसे हमें दूसरे साइड पलटना है। और देखिए हम तेल लगाने की वजह से ये बिल्कुल भी लोहे के तवे पे भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, और देखिए कितने आसानी से छूट गया। ऐसे हम इस तरीके से पलट लेंगे, ऐसे इस तरीके से पलट लेंगे, और अब हम फिर से इसमें तेल डाल के सेक लेंगे इसको अच्छे से। और क्योंकि ये थोड़ा मोटा है इसलिए इसको थोड़ा सा समय लगेगा होने में, बट ये हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ना थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है चारों तरफ से, इस तरीके से चारों तरफ ऐड थोड़ा सा तेल लगा दिया ताकि जो नीचे का है वो भी अच्छे से सिक जाए,
और फ्लेम हमें एकदम ही डाउन रखनी है, एकदम स्लो रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा पराठा है तो इसे पकने में थोड़ा समय भी लगेगा, आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे। और इसे हमें धीमी फ्लेम पे ही पकाना है, इसलिए हमें इसको छोड़ सकते हैं, आप इसे मतलब रख के कुछ और काम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जब तक मेरा कह लीजिए चौसेला बन रहा है, तब तक मैं कर लेती हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं बच्चों की वजह से अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती, बट अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ये कच्चा दूध है और इसमें मिलाया थोड़ा सा हल्दी, और उसको इस तरीके से कॉटन में ले करके हमें इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है। ये बहुत अच्छा क्लिंजर होता है, जो आपके ना दिन भर की डस्ट जो होती है फेस पे उसे एकदम रिमूव कर देता है। तो इसे इस तरीके से ना अप्लाई करना है कॉटन की हेल्प से। इससे आपका दिन भर में जो भी डस्ट होगी ना वो आपके फेस पे निकल जाएगी। और फेस पे देखिए, आप कुछ भी ट्राई करो ना करो, कुछ करो ना करो, फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका फेस क्लीन होगा ना तो वो खुद ही चमक आएगी आपके चेहरे पे, और आपको कभी भी कीर मुहासे नहीं होंगे। और ये सब चीज़ें ना डस्ट की वजह से होती है, जब हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है उसकी वजह से हमें कीर मुहासे और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब होने लग जाते हैं, स्किन डल हो जाती है। तो अभी तक तो बहुत टाइम मैंने ना अपने बिल्कुल भी केयर नहीं की है, बट अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा केयर अपने करना शुरू कर दूँ। आफ्टरऑल मुझे भी संतूर मम्मा बनना है। मुझे बिल्कुल भी आंटी जी कोई मुझे बोलता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता मेरी एज है आंटी वाली। आंटियों की ना एज जो होती है वो होती है 45 वाली। तो इसलिए मैं ना अभी अब मैं थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं दिया जब से शादी हुई। उसके बाद ना मैंने सिर्फ अपने ऊपर लापरवाही की और कुछ भी नहीं किया, मतलब वक्त ही नहीं दिया मैंने, बिल्कुल अपनी चीज़ों पे बिल्कुल वक्त नहीं दिया, ना ध्यान दिया खुद को कि कहाँ मैं मतलब क्या होता जा रहा है। सबका ही हो जाता है, बच्चों और परिवार में ना इंसान जो एक हाउस वाइफ होती है ना स्पेशली, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। और पार्लर जाने का तो समय एकदम रहता ही नहीं है, समय क्या आप ही समझते हो, इतना छोटे से बेबी को लेकर मैं कहाँ ही जाऊँगी पार्लर। तो इसलिए अब मुझे खुद ही अपने को ध्यान देना होगा। तो इसको इस तरीके से ना अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ देना है बस। आप चाहे तो दूसरी कॉटन से ही अपने फेस को साफ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे करके थोड़ी देर छोड़ दो और उसके बाद हमें पानी से वॉश कर लेना है, नॉर्मल पानी से चेहरे को साफ कर लेना है बस, कुछ नहीं करना है। तो जब तक मेरा पराठा बनना है ना तब तक मैं कर लेती हूँ। हमेशा ना फेस के साथ साथ आप जब भी कोई चीज़ फेस पे अप्लाई करो तो उसको गर्दन पे ज़रूर अप्लाई किया करो, क्योंकि वरना क्या होता है ना हमारे गर्दन का कलर अलग हो जाता है और फेस का कलर अलग हो जाता है, जबकि दोनों ही चीज़ें इवन होना बहुत ज़रूरी है। साफ साफ मतलब दोनों चीज़ें एक ही कलर में होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा लगता है। अगर आपका चेहरा अलग गोरा हो और गर्दन काली हो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अब इसे मैं ना थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए पूरे चेहरे पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और इसे अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और जब ये सूख जाएगा उसे तब मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा पराठा बन चुका है, ये देखिए, जो कि कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में। देखते हैं इसको खा कर भी कि क्या है इसके हाल। इतना किचन मैंने ना साफ कर दिया है, देखो इतने बर्तन धुल दिए हैं, बट अभी मुझे ना किचन की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद ही मैं इसे खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली शेयर करने जा रही हूँ कि आखिर मैं क्या लेके आई हूँ अपने ससुराल मायके से, जो मेरे लिए ये थी खजाने से कम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरे लिए वो एक खजाने की तरह है। क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने बताया आपको कि मतलब मैंने बहुत लोगों से मांगा लेकिन मिलता नहीं है, और सबसे मैं मांग भी नहीं सकती ये चीज़, तो जो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आखिर वो क्या खजाना है मेरे लिए। तो मेरा वो खजाना है ये अचार का डिब्बा, जो मुझे मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। और मैं सच बताऊँ मुझे अचार ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और स्पेशली ना मुझे घर का अचार पसंद है सबसे बड़ी बात। मतलब मार्केट के अचार में ना वो टेस्ट नहीं आता है, तो ख़रीद तो लूँ मैं मार्केट से, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं मार्केट से ख़रीद लो, मैं ख़रीद तो लूँ, लेकिन ये अचार की बात और है। क्योंकि ना मम्मी अचार बनाती थी, मुझे वो अचार था बहुत पसंद था, और मैंने अपने ससुराल में भी मांगा अचार मम्मी से, लेकिन मेरी सासू माँ भी अचार नहीं रखती हैं, और मैंने भी ट्राई किया अचार बनाने का, बट मेरा अचार ना रुकता नहीं है, कभी किसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए ये खजाने से किसी कम नहीं है, जो कि मुझे मेरे मायके से मैं मांग के लाई हूँ,
और बस यही है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग को लग रहा होगा कि बस ये क्या चीज़ है नॉर्मल सी, बट सच में ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अचार, और स्पेशली घर का अचार था बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों में से कोई हो जो घर का अचार अवेलेबल कराता हो तो मैं पैसे देके भी खरीद लूँ घर का अचार, इतना है मुझे पसंद। लेकिन मुझे घर का अचार खरीदना है, मुझे मार्केट का नहीं चाहिए। मार्केट का जो बनाने का तरीका होता है ना वो अलग होता है, और जो घर के अचार बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है। इसलिए मुझे ना घर का अचार चाहिए होता है। और इसमें ना बहुत कुछ, बहुत सारा अचार है इसमें, करौंदा है, मिर्चा है, आम है, नींबू है, कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। ये देखिए नींबू है, और ये टूट ना जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं ब्लॉग के चक्कर में। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा मुझे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए टाटा बाय, गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ इन्जॉय करने अपना चौसेला विथ अचार।